और जहां बात मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी वहां गर्दन कटवा देंगे लेकिन उससे समझौता नहीं करेंगे। ये लड़ाई है उन माताओं की जिनके चिराग आज घर नहीं लौटे, ये लड़ाई है उन बहनों की जिनके सुहाग उजड़ गए, ये लड़ाई उन बहनों की है जो रक्षाबंधन पर कलाइयां ढूंढती हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। ये इतनी गंभीर लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को हमने उसी गंभीरता के साथ नहीं समझा, नहीं महसूस किया, तो यकीन मानिएगा साहब, इसमें हम कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। और मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा, बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि आज गगन यादव रेजिमेंट की बात करता करता नेता बनाने की बात करने लगा, तो बहुत से ऐसे लोग हैं समाज के ही जो कहने लगे कि ये नेता बनना चाहता था इसलिए ये रेजिमेंट की आवाज उठाने निकला हुआ था। दिल से बताओ, नेता बनने नहीं निकला था गगन, नेता बनाने निकला था। क्योंकि जब हमारे देश की पंचायत में, जब देश की पंचायत में सबसे ज्यादा नेता हमने तैयार करके बिठाए होंगे, तभी आप लोग समर्थन प्राप्त कर पाएंगे इस रेजिमेंट की लड़ाई में भी, जब हमने उन्हें तैयार करके भेजे होंगे। नहीं तो घूमते रहना साहब, हम भी घूमे बहुत, फलाना विधायक जी के पास चले गए, फलाना सांसद जी के पास चले गए, मंत्री जी के पास चले गए, पेपर पे लिखवा के और जाके बस एक फोटो करा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो बनवा ही देंगे हमारी रेजिमेंट। साहब वो पेपर फट जाते थे, वो कूड़े में पड़े मिलते थे पेपर, कई लड़कों ने अपने खून से पत्र लिखे थे जिनके हम कहते थे खून वून से पत्र मत लिखो, पसीना बहाओ, लेकिन कई नौजवान साथियों ने खून से पत्र लिखे, वो खून से लिखे हुए पत्र भी कूड़े में मिलते थे। तो ऐसा क्या हमें करना पड़ेगा जो चोट सरकार को लगे? तब हमने फैसला किया कि हमें एक ऐसी मशीन तैयार करनी पड़ेगी जो मशीन शानदार, जानदार, दमदार, ईमानदार नेता तैयार करे, जो नेता आपका नेतृत्व करे और वही नेता हमारी इस मांग को भी उठाने का काम सदन में करे। हलवा नहीं है ये कि आपने मांगा और मिल गया, छीनना पड़ेगा साहब, और छीनने के लिए योद्धा चाहिए और योद्धा अब हमें तैयार करने पड़ेंगे। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहूंगा, अपनी खुराक मजबूत रखें, डाइट अच्छी लें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, मेहनत करें, वर्जिश करें, अपने शरीर पर काम करें, अपनी बुद्धि पर काम करें। जब आपके पास बल, बुद्धि, विद्या होगी तो आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। कौन ऐसा नेता होगा जो आपके आंसू पोंछने की बात करता होगा? जो भी आएंगे आपको सपने दिखाएंगे, मैं कोई सपना नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं कहकर जाऊंगा कि जिस दिन ताकत में आऊंगा उस दिन बलिया में एक शानदार निशुल्क सेवा आपको किसी अस्पताल में मिलेगी, निशुल्क शिक्षा आपको मिलेगी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, आपके बलिया की मैं सड़कें सुधार दूंगा। मैं ऐसा कोई भी वादा आपके बीच करके नहीं जाऊंगा, और न सिर्फ आपके बल्कि देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में मैं अगर घूम रहा होऊंगा तो मैं किसी को ये वादा नहीं करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए ये काम कर दूंगा। जिस प्रकार दूध को जब पिलोते हैं ना तो उसमें से घी भी निकल जाता है, नूनी भी निकलता है, छाछ अलग हो जाती है, तमाम चीजें उस दूध से निकल जाती है। इसी प्रकार जब आप हम पे विश्वास रखेंगे और अपना भरोसा बनाए रखेंगे तो यकीन मानिएगा एक ऐसा ही दूध आपको दूंगा कि आप उससे मिठाई भी बना लेना, खोया भी बना लेना, घी भी बना लेना, छाछ भी बना लेना, दही भी बना लेना और जो मर्जी आपका हो वो बना लेना। एक ऐसा सिस्टम आपको तैयार करके देके चले जाएंगे और आपको बता के चले जाएंगे कि काम होता कैसे है,
किसी के दरवाजे पर माथा टेकने की जरूरत नहीं है। माथा अगर आपको टेकना है तो हमारे आराध्य दादा श्री कृष्ण के दरवाजे पर टेको, उसके दर पर टेको, किसी नेता के सामने माथा मत टेको। ये बात भी मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह के जाऊंगा, क्योंकि मैं इस समाज का भविष्य देख रहा हूं। मैं भविष्य देख रहा हूं कि मेरे नौजवान साथी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो नेताओं के नारे लगा रहे हैं दिन रात, नेता उन्हें घास नहीं डाल रहा, नंगे पैर उसकी गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, वो पूछ भी नहीं रहा, वो इनकी तरफ देख भी नहीं रहा। तो तब हमें पीड़ा होती है, तब हमें दुख होता है कि हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है। साइकोसोमैटिक, जिसमें मैं अगर आपके कान में आके बोलूंगा कि ये जो आपके बाल झड़ रहे हैं ना, इसका मतलब आपको कैंसर है। आप यकीन मानिएगा, कैंसर था नहीं, लेकिन कैंसर आपके शरीर में बनने लगेगा। ऐसा ही कैंसर हमारे समाज में कुछ लोगों ने डालने का काम किया, जिसकी वजह से हम टूटते चले गए और बिखरते चले गए। ऐसा ही कैंसर हमारे समाज में डाला। अब उसी कैंसर को खत्म करने के लिए आपका ये भाई डॉक्टर गगन यादव आया है आपके बीच। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यकीन मानिएगा, बीमारी बहुत पुरानी है, बीमारी बहुत पुरानी है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा सही होने में। और जब तक ये बीमारी सही नहीं होगी, जब तक हर यादव के अंदर का हम कैंसर बाहर नहीं निकाल देते, गोत्र की लड़ाई का, एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने का, जब तक इस कैंसर को हम बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। अब आप बताइएगा, क्या इस बीमारी को खत्म करने में आप हमारा साथ देंगे? जो कभी ये ना देखे कि ये तो मेरी विधानसभा ही नहीं है, ये तो मेरी लोकसभा ही नहीं है, ये तो मेरा चुनावी क्षेत्र ही नहीं है, जो कभी ना देखे और जहां आप इसे पुकारें, ये वहां आपके बीच आकर खड़ा हो जाए, आपको सहारा देने आ जाए, तो ऐसा मैं नेता बनना चाहूंगा। और रही बात विधायक मंत्री सांसद की, तो आपका ये भाई आपको भरोसा दिलाता है, जिस तरीके की हवा और लहर आज चल रही है, यही मेरे मालिक के आशीर्वाद से अगर चलती रही तो देश की सबसे मजबूत ताकतों में अगर कोई नाम आपको सुनने मिलेगा तो आपके ही समाज के लड़के का, आपके बेटे का, आपके भाई का, गगन यादव का नाम आपको सुनने में मिलेगा, जो आने वाले समय में देश की सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। गगन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गगन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कहते हैं दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर है। कि हम लोग एक पहलवान हैं, टेकनपुरा के सम्मानित जितने नौजवान साथी हैं, तहे दिल से सम्मान है। ये लोग 12 बजे कड़ी धूप में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये पहला जीवन में मैं देखा हूँ कि किसी नेता का 8 घंटा इंतजार इस बलिया की धरती पर हुआ है। नहीं तो जिस समय भारत देश गुलाम था, हमारे चिंटू पांडे ने अंग्रेज डीएम के सीने पर चढ़ करके 24 घंटा पहले बलिया को आजाद कराए थे। बस इसी शब्द में एक शब्द है कि काश आपकी दोस्ती इतनी प्यारी न होती तो आज हमसे और इन लोगों से दोस्ती न होती। सपनों में देख लेते गगन भैया अगर आपको, तो आज मिलने की इतनी बेकरारी न होती। जब जब किसी गरीब के जले हुए सियाने को सजाने की बात चलती है, जब जब किसी गरीब के जले और कटे हुए व्यक्ति के ऊपर मरहम लगाने की बात चलती है, तब तक किसी अधिकारी व्यापारी और अंबानी अडानी का नाम नहीं, जब सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के जसवी तेजस्वी ऊर्जावान नेता भाई गगन यादव जी का आता है।